एक बार फिर चिंटू जा रहे हैं पाकिस्तान अपनी दुल्हनिया लेने, सही में चिंटू कुछ बताइए। सबसे पहले लहरें देख रहे सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और एक बार फिर से मैं मूड में आ गया हूँ, फिर से जा रहा हूँ पाकिस्तान दुल्हन लाने, क्योंकि हम लोग जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उस फिल्म का नाम ही है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2। जो पहला वाला जो सिनेमा पहला पार्ट जो धमाका किया है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, उससे भी डबल धमाका है सिनेमा में और डबल एंटरटेनमेंट है। दो हीरोइंस तो है ही हैं, उसके साथ साथ डबल एक्शन पैकेज है, डबल ड्रामेटिकल जो भी सीक्वेंसेस है उससे जो भी पहले में थे उससे सारी चीज़ें डबल। अच्छा चिंटू, फिल्म की शूटिंग हो रही है, आज एक गाना प्रियंका के साथ शूट कर रहे हैं, कुछ गाने के बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं और प्रियंका बहुत काफ़ी समय के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं। दीवाने फिल्म हमारी साथ में आई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत अच्छी लव स्टोरी थी। उसके बाद अब इस फिल्म में हम लोग साथ में जुड़े हैं और काफ़ी धमाकेदार, काफ़ी सेक्साना गाना हो रहा है काफ़ी सेड्यूसिंग गाना, एकदम मसालेदार गाना, चटपटा सा। वो जब सिनेमा हॉल में आएगा तो उसका आनंद हमारे दर्शक लोग बहुत और भरपूर लेंगे। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अब और कहाँ शूट की जाएगी? मुंबई में शूट होगी या और कहीं पर जाके शूट करने वाले हैं? बहुत सारी जगह पर शूट होगा, क्योंकि ये एक जगह पर शूट नहीं हो सकती फिल्म, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि हम एक जगह पर इसकी शूटिंग नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी जगहों पर होगी, गुजरात में होगी, यूपी में होगी, कुछ पोर्शन बिहार में होंगे, राजस्थान में होंगे, बॉर्डर पर होंगे पाकिस्तान के। तो ये सारी प्लानिंग है, काफ़ी ज़्यादा इसके शूटिंग के जो ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिनेमा ही वैसा है, कहानी ही वैसी है। बहुत ही कमाल का कहानी है, बहुत ही कमाल का लेखनी है। डायलॉग्स तो जो पहले वाले थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस फिल्म में लिखा गया है। लालजी यादव ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, कमाल का डायलॉग्स लिखा है उन्होंने। और जैसा कि हमेशा जो उनका धमाकेदार जो पावरफुल डायलॉग्स जो आप सुनते हैं मेरे मुँह से, मेरी ज़बान से, उससे भी ज़्यादा धमाकेदार इस सिनेमा में डायलॉग्स हैं। और गाने चूँकि इसके म्यूजिक डायरेक्टर खुद श्री राजकुमार आर पांडे जी हैं, तो बहुत ही कमाल के गाने बने हैं, बहुत ही मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल गाने बने हैं। साथ ही साथ उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही हैं राजकुमार और पांडे जी। तो जब भी उनका सिनेमा आता है हम सभी को इंतज़ार होता है, दर्शकों को भी इंतज़ार होता है कि उनकी फिल्म कब आ रही है, और सभी लोग हुजूम में जाकर उस सिनेमा को देखते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है सिनेमा के लिए कि काफ़ी अच्छे टेक्नीशियंस हैं इस सिनेमा से, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं सिनेमा से। और साथ ही साथ इस फिल्म में जो हमारी जो पाकिस्तानी लड़की हैं वो जो नया चेहरा आप सबके बीच आने वाला है, सस्पेंस है थोड़ा सा, बहुत ही खूबसूरत है, कमाल की अदाकारा है, और ये सस्पेंस बहुत जल्द खुलेगा। मुझे तो बता दीजिए कौन है। हाँ, ये बहुत जल्द आपको भी पता चलेगा। तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी अभी नहीं बताऊँ क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है कि कौन है बहुत जल्द पता चलेगा, दर्शकों के साथ साथ मुझे भी बहुत जल्द पता चलने वाला है। और मैं बस यही प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि जो पहले वाली को जो आपने प्यार दिया है उससे ज़्यादा इस फिल्म को प्यार। तो और कौन कौन सी फिल्में हैं आने वाली, दर्शक जानना चाहते हैं उनको बता दीजिए। अभी बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो रिलीज़ होने वाली जिसका ट्रेलर आया हुआ है, माई रे माई हमरा उहे लेके चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही अलग सिनेमा है मंदिर वहीं बनाएंगे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी अलग धमाका है उस फिल्म में। उसके बाद जो आप सबके सामने जिसका टीज़र आया मेहंदी लगा के रखना 2, बहुत ही खूबसूरत सिनेमा है, अलग सिनेमा है। और उसके बाद यह अली बजरंग बली जो हमारे हिंदुस्तान को दर्शाता है, हमारे हिंदुस्तान की एकता को दर्शाता है। और उसके बाद दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 आने वाली है, और भी काफ़ी ज़्यादा फिल्में हैं। बस मैं यही कहूँगा हमारे दर्शकों से, ये मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सिनेमा को देखिए, सिनेमा को प्यार दीजिए, हम सबको अपना प्यार दीजिए, सिनेमा को बढ़ाने में आप सबका योगदान चाहिए। योगदान देते रहिए, प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और जितनी भी फिल्में हमारी आती रही उन सभी फिल्मों को देखते रहिए, मेरी फिल्मों को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए।